राधिका जी की भी दासी सब वेद समस्त वेदों में आल्सो से राधे जी के दासियों के कृष्ण है कृष्ण बिलोंग्स टू दी राधिका जी मींस ही इज कंट्रोल्ड बाय द सखीज ऑफ राधिका छोड़त धन जन कलत सुतमे छोड़त कर्म ज्ञान राधा पद पंकज मधुरत सेवन भक्ति विनोद परमान। देखो यदि राधा जी के चरणों में प्रीति चाहते हो चाहती हो राधिका जी लोटस फीट मान देन जन वेल पुत्र परिवार पति फैमिली मेंबर्स सन हस्बैंड वाइफ सबको छोड़ करके कर्म और ज्ञान इसको भी छोड़ो कर्म एंड ज्ञान लीव दिस आल्सो राधा पद पंकज मधुरत सेवन भक्ति विनोद परमान। भक्ति विनोद ठाकुर सेज भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि इसके लिए मैं प्रमाण हूँ। देखो मैं क्या था गृह मेधी और सबको छोड़ छाड़ करके मैं राधा जी का पद कर दासियों का फिर स्वागत है पुण्य में उनके चरणों का तुम भी ऐसे ही इस प्रकार से वैष्णव की हमारी रूपानी वैष्णव की यही विचारधारा है आप लोग भी उसी तरह से तीरथ महाराज कहाँ गए तीरथ महाराज कहाँ गए तीरथ महाराज वहाँ है somebody going this? Shyam Prabhu. Shyam Prabhu is speaking. गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तलालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तलभक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म निदला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्कृत भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हैती कृपा की प्रार्थना। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्कृष्ण भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए इनकी हैती कृपा की प्रार्थना। उपस्थित समस्त रंगीपालगण वैष्णव जन मातृजन सभी के चरणों में जथा जो दंडवत प्रणाम करते हुए सबों की आप मुंह के पास रखो थोड़ा मुंह से दूर हो रहा है। सो महाराज जी का आदेश हुआ है गुरुदेव है महाराज श्री राधा जी के संबंध में कुछ सीख समथिंग अबाउट राधा जी अपने चित को मार्जिन करने के लिए कुछ कहूँगा टंग आई स्पीक समथिंग माय स्पीच आई स्पीक समथिंग। वैसे तो जनरली राधा जी के तत्व में सभी मौन हैं क्योंकि ऐसा वस्तु ऐसा तत्व है जहाँ पर बोलने से ही वो प्रेम की चिंगारी छू जाए तो फिर वो विकलवता को प्राप्त हो जाते हैं। फिर भी यदि ना कहा जाए तो भी उनकी महिमा को लोग कैसे समझे। अनंत शास्त्रों में भागवत जी में तो विचार हुए 10 मिनट के समय में केवल कुछ निवेदन करूँगा। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहनी पर
पद्म पुराण आदि में राधा जी का स्पष्ट नामों का उल्लेख आया, क्योंकि वहाँ पर सुखदेव जी उस पुराण का वाचन नहीं कर रहे, वहाँ ऐसा कहा गया देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधा का परिचय। राधा रानी क्या है? देवी, बहुत इसका विचार कविराज गोस्वामी पाद जी गोस्वामी पाद इस श्लोक पर बहुत विचार। देवी, देवी कहे दोत माना की वह परमा सुंदरी जीवा कृष्ण कीड़ा पुजारे बस्ती नगरी। देवी शब्द की व्याख्या में कविराज पाजी कहते जो बहुत प्रकाश लीला हो, जिसके सौंदर्य किरण के आगे रति गौरी लीला थी सब तपते हैं। देवी कहे कि वह परमा सुंदरी जिनके समान कोई दूसरा सुंदरी है नहीं, विश्व बंद जौबत आदि बंदी साथी चार अमर रूप नभ यौवन आदि संपदा नजस्समा शील हार्द लीला या चस्ता जतो अस्ति नाजिका मैया मात्र पास पर दास। देवी कहीं दो मन की वह परमा सुंदरी की वह कृष्ण कीड़ा पूजा रे बस्ती नगर। प्रकाश लीला अथवा परमा सुंदरी अथवा कृष्ण के पूजा के लिए सेवा के लिए मानो को नगर ही बसी, कृष्ण सेवा के लिए नगरी। नगरी का तात्पर्य यहाँ पर कृष्ण के सेवा के लिए सारे सामग्रियों की उपलब्धि। क्या चाहिए? लेकिन परेशानी है कि कृष्ण को चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन उसके लिए दाम भी तो चाहिए। वैसे तो रूप गोस्वामी पाद जी बहुत सस्ता भी बताए, तत्कलौल मति मूल्यम एकलम कोटि जन्म सुकृतन लब्ध। यदि राधा माधव को चाहिए भाव को तो उसका मूल केवल रोग। लेकिन कृष्ण लोभी भी तो ऐसा नहीं हो, लोभ का तात्पर्य एक निष्ठ, जहाँ लोग के लिए एक निष्ठा न हो बहुत निष्ठा हो तो वहाँ पर वस्तु की प्राप्ति में परेशानी हो, यदि प्राप्त हो तो स्वाधन में परेशानी। क्यों? क्योंकि निष्ठा है ले उपज प्रेम तरंग, यदि निष्ठा न हो तो प्रेम का तरंग उत्पन्न नहीं है। इसलिए कृष्ण कभी कभी प्रेम के आगे हार जाते हैं, प्रेम से पराजित होते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि मैं इस प्रेम के बराबर देने की योग्यता नहीं है। क्योंकि राधा जी का जो प्रेम है उसमें जो कृष्ण कीड़ा पूजा की जो नगरी है जहाँ पर अनंत सामग्रियां से सहाव भाव धीर धीर हार भूषिते प्रभूत शांत कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनी प्रशस्त मंद हास चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करी से सिंह मांग कृपा ककार का भजन। जहाँ कृष्ण स्वयं अनुनय विनय करते कि आपके मैं इन भावों को भावों के ऊपर में क्या मेरे पास कुछ नहीं, कीमती वस्तु को खरीदने के लिए मेरे पास निष्ठा भी नहीं, ऐसे हीरा ऐसे मणि माणिक है जिसका कोई जगत में मूल्य नहीं दे सकता। जब अपने पास हाय समझते हैं तो भी लोभी है, कहते मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन फिर भी एक ही अवलंबन एक ही आशा है तबैवासी तबैवासी, मैं कुछ नहीं जानता, मैं आपका हूँ तबैवासी तबैवासी, न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधितं नहि मां चरणं। मैं आपके सिवा कुछ नहीं, इसलिए ऐसा जानकर के आप उनको अपने पास ही रखे, अपने भावों को इच्छा के रूप में दया के रूप में दान के रूप में दीजिए, क्योंकि इस भाव के बिना मैं बिल्कुल अपने को अपूर्ण समझता हूँ और इस भाव के पाए बिना मैं जी भी नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा जीवात्मा है। स्वमेव जीवनम स्वमेव पूर्णम, बहुत हमारे गुरु वर्गों ने इनके भावों की प्रकाष्ठा को कहाँ तक ले गया। कृष्ण तक को बोले यदि आपको भावों के स्वादन की इच्छा हो या चाहते हैं तो आपको भी कहीं न कहीं पर हमारे भावों को ग्रहण करने की जरूरत है। जो हमारे रघुनाथ पाद आदि गुरु को समझे के जो भाव है पादक जो बिना पर दास देवा नानक कदापि समय किल देवी जाते सख्यायते मम नमस्तु नमस्तु नित्यम दासायते मम रसस्तु रसस्तु सत्यम। इस भाव के प्राप्ति के लिए श्याम सुंदर भी कहीं कहीं चिंतियों का अनुगत के लिए चाहते हैं कि यदि ऐसा अनुगति मुझे भी प्राप्त हो भाव को मैं पूर्ण रूप से डूब कर स्वादन कर सकूं, क्योंकि इस भाव को पाने के लिए कहीं न कहीं पर राधा जी के प्रति पूरा समर्पण की आवश्यकता है, नहीं तो एक चीज
के हृदय में जो कोई राधा जी के प्रेम के बारे में सुना या अनुभव किया, द्वारका आदि में भी ऐसा वर्णन आता है कि जब श्याम सुंदर द्वारकापुरी में निवास कर रहे हैं वहाँ पर भी भाव को भूले नहीं, क्योंकि भाव पूरे उनके हृदय तक प्रहसित कटाल से निशीत बाने हरि हृदय हृदय की वेदन। राधा जी का अनंत जो आशेष हाव भाव है कृष्ण को इतना हृदय में उतर गया कि द्वारकापुरी में जा करके हे राधे बड़े देवी के चरण से तुम सब कहा रुक्मिणी ने पूछे क्या बात, हम तो आपके पास हम भी तो आपकी सेवा कर रहे हैं, उन सब पर क्यों होता है। कृष्ण बोलते मैं नहीं कर सकता, ऐसा तो अनंत कारण है, लेकिन उस कारणों में जब उन लोगों की रास लीला को मैं स्मरण करता हूँ नहीं जाने सुनते रास्ते मनो में की दृष्टा मर रही, तुम लोग मेरे लिए ऐसे घर परिवार सारे लोग मर्यादा को तोड़ करके नहीं आ सकते, जैसे कि तुमने रास में राधा जी हमारे लिए प्यार नहीं छोड़ा, स्वामी ने हसन तु भी हसन तु पूरा सपत नया भारतीय भजन तु गुरुवा पितरस चल आजम एतावती यदि फुलम कलंकनी तथा रामानुजेतन हो तुम अमानुराग, मेरा स्वामी मुझे मारे कोई सौ हमारी हंसी उड़ा है, लोग हमको कलंकनी कोई घासी कहे हम सब कहें घर तजो बन तजो नगर नागर तजो बंसी बट चल तजो ताहू पे न लाधियो बाबरो भयो लोग बाबरी कहत मो को बाबरी कहत में ताहू सब को त्याग कर गया। इसलिए जब लोग कुरुक्षेत्र में गए तो द्रौपदी से पूछते हैं कि आपको कृष्ण स्वयं पति रूप में प्राप्त है, आपको क्या भाव है, आप लोगों ने बहुत कुछ किया, लीला व्रतम ध्यान होता दिनेश पर समर्पित से गृहित पानी भी पिबंती जा सख्या धर्म समूह समूह ब्रज स्त्रिय जल आशया, जिस श्याम सुंदर को तुम लोग प्राप्त करके पति रूप में विराज हो श्याम सुंदर के तो दर्शन मात्र से गोपियां बेहोश हो जाती है, तुम लोग क्या भाव रहते हैं। रुक्मिणी जी कहते हैं कृष्ण के पाने के बाद क्या भाव है, क्योंकि हम कृष्ण को पा करके भी उतना प्रेम उतना बसीभूतता नहीं दे सकते जितना कि गोपी को पंगनाए करते, सुना कि दासियां भी जब कुंज के द्वार पर खड़ी हो जाती थी तो कृष्ण के सारे दिन भर का हिसाब किताब ले लेते थे, जब तीन करी से बहुत से खलु काकू वाली, इसलिए हम भी चाहते हैं कामया मैं तस श्रीमद पाद रजश्रिय कुछ कुमकुम कंडा ध्यान मूर्धना बोलूं कदा, जो श्याम सुंदर जिन राधा जी के हृदय के कुमकुम से जो मिश्रित जो सुगंध है जो उनके चरणों में लगा है वो गंध यदि हमारे मस्तक पर धारण हो, वो यदि रज हमको प्राप्त हो राधा जी के जो रज से दूषित हो रहा है जहाँ पर सत्यो वसीकरण चूर्णम अनंत शक्ति, जिस रज में जिस सुगंधि अनंत शक्ति श्याम सुंदर को वसीभूत कर लेते हैं वो यदि धूलि श्रीमद पाद रजस्य श्री करने से राधा जी के जो चरण धूलि है जो श्याम सुंदर को प्राप्त है यदि वो धूलि हम मस्तक पर धारण करें तो हम अपने को दिखते रहे। राधा जी का अनुग्रह को कौन नहीं चाहा कौन नहीं माना, उनका व्यास नारद जब ब्रह्म नारद विष्णु मुख्य जब नारद आज सभी ने उनके धूलि की प्रार्थना की है, लेकिन श्याम सुंदर जब सेवा कुंड में जाके देखेंगे तो दिन रात यही गाते रहते हैं राधे तेरे चरणों की धूल ही जो मिल जाए तो सच कहता हूँ मेरा तकदीर बदल जाए, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है तुम मेरे सामने हो मेरे मेरा उत्तम समर्पण करेंगे
क्योंकि कृष्ण की अंतरंग स्वरूप शक्ति जिनको सभी शास्त्रों में वर्णन किया है, भगवान श्री कृष्ण की जो आराधना है और कृष्ण जी के चरणों में पुष्पांजलि समर्पण करते हुए जय श्री राधे पुष्पांजलि समर्पण ऐसे परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की जो आनंद स्वरूपिणी मूर्ति है वो है श्री राधे, जिनको आनंद चिन्मय रस स्वरूप जिनको लादिनी स्वरूप कही गई है, कृष्ण के अल्लाह ताते नाम लादिनी जो कृष्ण को सदा सर्वदा आनंद वर्धन करती है, कृष्ण का आनंद विधान करती है वो है श्री राधा। और श्री कविराज गोस्वामी पादुकीय कहते हैं श्याम के कराए श्याम रस मधुपान, जो श्याम सुंदर श्री कृष्ण को श्याम रस मधुपान कराती है वो है क्या, जो कि उन्नत उज्जवल मधुर रस की मूर्ति केवल पात्र ही नहीं मूर्ति है प्रेम की मूर्ति वो जिनको वेदों में देखा जाए तो ऋग वेद के 28 मंत्रों में राधा कृष्ण के लीलाओं का वर्णन हुआ है और ऋग वेद में ये भी दिखाया राधे राम माधव देव माधवे नैव राधिका, जो राधा जी के साथ माधव विराजमान है पर माधव के साथ नंदिनी राधा जी विराजमान है सुशोभिता है। इस प्रकार राधा उपनिषद में देखा जा रहा है कि कृष्णेन राधते इति राधा, राधा किसको कही जाती है, कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं वृंदावन के कुंजन में सेवा कुंज में जिनके चरणों में पुष्पांजलि समर्पण करते हैं ऐसी कृष्ण की जो आराधना है वो है देवी श्री राधा। और ऐसे पुराणों में सर्वत्र वर्णन हुआ है राधा जी की महिमा, श्रीमद् भागवत में भी विशेष रूप से श्री राधा जी की महिमा का वर्णन हुआ है, श्रीमद् कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी के कृतित्व में भी राधा जी कोई नारी मूर्ति नहीं यानी कोई साधारण स्त्री के रूप में कोई समझ न ले, इसलिए गोविंद भाष्य में वंदे विद्यालय उपाध ने तीन स्वरूप में राधा जी को दिखाया, बोले कि राधा जी का तीन स्वरूप है, बोले एक तो कृष्ण के अंग में शक्ति के रूप में, दूसरा है स्वयं श्री राधा के रूप में जो कृष्ण को आनंद विधान करने वाले, और तीसरा है मंत्र रूप में, इसलिए तीन स्वरूप में राधा गोविंद भाष्य। और सभी शास्त्रों में देखा जा रहा है पर वैसी क्या लिख रहे हैं भागवत में, बोले राधा जी ऐसी नहीं है, राधा जी को प्रेम की मूर्ति के रूप में देखें, इसलिए प्रारंभ में शुद्ध भक्ति की परिभाषा दी सभी पूंछा इस श्लोक में, और उसके साथ साथ भक्ति की व्याख्या करते हुए भक्ति का साधन स्थिति और साधन स्थिति जो श्रद्धा साधु संग गुरु पदाश्रय भजन क्रिया निष्ठा रुचि आसक्ति भाव यहाँ तक दिखा दिए। सिद्ध स्थिति में प्रेम स्नेह मान प्रणय राज अनुराग भाव महाभाव रूढ़ अधिरूढ़ चित्र जल्प आदि और मोदन मादन प्रेम विवर्त रसराज महाभाव स्वरूप एकात्मक स्वरूप ये सभी जो भावों का विश्लेषण हुआ है इस भाव की मूर्ति है राधा जी, ऐसी कोई साधारण स्त्री नहीं या कोई साधारण नारी रूप में न समझते, इसके भाव के रूप में दिखाया और उस प्रेम स्वरूप ने जैसे कि आनंद चिन्मय रस स्वरूप जो कि वृषभानुनंदिनी श्री राधा जी आनंद चिन्मय रस स्वरूप है और ब्रज गोपियां जो है सब उनके भाव के एक एक कला भी एक एक कला है एक एक प्रकाश है, इसी पर श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा है कि महाभाव स्वरूप गुणै रतिर परियस त्वयोरपि उभयोर मध्ये राधिका सर्वथा धिका महाभाव स्वरूपेयम गुणै रतिर परियस, जबकि कृष्ण के रास मंडल में 100 करोड़ ब्रज गोपियां और प्रिय गौतमीय तंत्र में 300 करोड़ का तो वर्णन आता है चाहे कितना भी, इन सभी ब्रज गोपियों में 16108 को प्रधान मानी जाती है जो ग्रुप वाली, उनमें से 108 को और भी प्रधान मानी जाती है और उनमें से 108 में से 8 को सर्व प्रधान मानी जाती है
और जो की ललिता विशाखा चिंता चंबल लता इंदु रेखा सुदेवी रंग देवी सुविता और इन सब में दो को श्रेष्ठ माना गया है चंद्रावली और राधा और उन दोनों में भी सर्वथाधिका राधिका सर्वथाधिका वृषभानंदनी राधा जी जो है वो सर्वश्रेष्ठ उनसे बढ़ करके और कोई नहीं हो सकती है इसलिए वो यहाँ पर दिखाया गया श्री रघु गोस्वामी पाद के अंदर बोले उनकी क्या विशेषता है बोले महाभाव स्वरूप गुण महाभाव स्वरूप बोले और कोई महाभाव की मूर्ति नहीं है केवल राधा जी है इसलिए कविराज गोस्वामी पाद ने कहा प्रमेय प्रमेय सार भाव भाव महाभाव यानी महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी राधा जी जो है महाभाव की मूर्ति है अब महाभाव को क्या समझे कैसे समझे क्या है उसमें तो उसमें यह बताते हैं कि महाभाव वह है जो कि राधा जी कृष्ण के विरह में जब अधीन हो जाए समस्त ब्रह्मांड को भी रुला दे सारे संसार के सभी को रुला दे और महाभाव में ऐसे आकर्षण शक्ति है सारे संसार को खींच करके अपने कोणीभूत कर ले इतनी क्षमता है दूसरी बात है कि निमिष असहता कृष्ण के विरह में एक क्षण जिनको शत शत युग के समान प्रतीत हो यह है महाभाव पर कृष्ण के मिलन में जैसे ब्रह्मरात्रि मुबारका की 1000 चतुर्युग एक 12 घंटे की रात के अंदर में एक रात्रि में ही प्रवेश कर गई और इतनी लंबी रात्रि जबकि कृष्ण रास पिया कर रहे नृत्य कला संगीत के द्वारा गोपियों का आनंद विधान किया तो गोपियों ने कृष्ण के साथ में रास में नाच नचाए तो अब कोई संभव नहीं किसी के द्वारा इसलिए कहते हैं न तो मनुष्यों में संभव है न देवी और देवताओं में संभव है कि इतने लंबे समय तक कोई रास नृत्य कर रहे किसी के द्वारा संभव नहीं वो जो नृत्य है ऐसा नृत्य कोई नहीं कर सकते न कि ब्रह्मा पर शिव जी के लिए भी संभव है इसलिए एक मात्र भगवान श्री कृष्ण ने ही करके दिखाया जो उनके द्वारा संभव है न कि कोई भौतिक शरीर से संभव होता है न किसी और शरीर के द्वारा संभव है जो आपको चिन्मय स्वरूप ब्रजगोपियों के द्वारा वह संभव हुआ है इसलिए कहते हैं कि महाभाव स्वरूपियम ये सभी महाभाव के लक्षण है और महाभाव की मूर्ति है बोले कि श्रीरूप गोस्वामी पाद कहते हैं अरे भाई कोकोनट में नारियल में भी पानी होता है कुएं में पानी है तालाब में पानी है घर में पानी है झील में भी पानी है नदी में पानी है और समुद्र में भी पानी है पानी तो सभी जगह है क्या नदी तालाब झील और घड़ा समुद्र के साथ बराबरी कर सकता है समुद्र तो अथाह है उसकी कोई समता या बराबरी नहीं कर सकता है तो राधा जी ऐसे भाव के समुद्र महाभाव की मूर्ति के साथ कोई भी समता या बराबरी में नहीं आ सकते सब तो वही कुएं और झील के बराबर और कोई तालाब के बराबर होंगे किंतु राधा जी के बराबरी में समुद्र के जैसा नहीं बन सकते इसलिए राधा जी सप्त सिंधु सप्त समुद्रवती राधा तो उनके बराबरी में कोई नहीं है दूसरी बात महाभाव स्वरूप बोले हाँ यहाँ तो गुणों का वर्णन कर दिया राधा जी के रूप का तो कोई दिखाया नहीं बोले कि जगत में कोई किसी का रूप देख करके चाहे कितना सुंदर ही हो बोले कितनी देर देखेंगे 10-5 मिनट 2-4 दिन देख ले इसके बाद में मन भूल जाएगा फिर घुमा लेंगे तो रूप के प्रति आकर्षण नहीं होता होता है गुणों के प्रति राधा जी में क्या जितना रूप है और उससे कहीं अधिक तो गुण भी है क्योंकि गुणों के द्वारा राधा जी कृष्ण को वशीभूत कर लिया है जो गुण राधा जी में है और किसी में नहीं है इसलिए राधा जी में इन गुणों की सर्वश्रेष्ठता दिखाई है कि गंधोन्मादित माधवा संतता केशवाश्रया राधा जी में विशेष विशेष गुणों का वर्णन करते हुए कहा निरंतर जो केशव के आश्रित है बोले ये केवल इतना ही नहीं गंधर्वादित माधव
माधव श्याम राधा जी के अंग गंध से उन्मादित हो जाते हैं। संसार में जितने भी सुगंध हैं, सभी सुगंध जहाँ से प्रकाशित होते हैं जो की सुगंध का खान है राधा जी। इसलिए गुणई और रति यानी प्रेम, इन प्रेम के द्वारा वशीभूत कर लिया ऐसे जो विश्वभरनंदिनी राधा जी है, जिनको देवी का आ गया है, कृष्ण की आराधना है, कृष्ण की राज्य बसती लगानी है, कृष्ण वही है जो समस्त लक्ष्मियों की महालक्ष्मी स्वरूपा है और जो की सर्वताधिका और सर्वश्रेष्ठा है परम ठाकुर। इसलिए गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्य कृष्ण कांता शिरोमणि, ऐसी विश्वभर नंदिनी राधा के चरणों में हम आपने राधा जी के महिमा श्रवण किया और कृष्ण में भी ऐसा सब देखा, तो बोधानंद सरस्वती भी कह रहे हैं जैसा कदापि वसनानि च रक्षेयो न धन्य पवनेन कृतात्मनानि योगेन्द्र गोपदुरं कते मधुसूदनो अस्या नमस्ते विधान भोर किसे। गोनानंद सरस्वती जी कहते हैं, आप लोग पहले समझेंगे एक राधा सुधा निधि और एक है कृष्ण के कृष्ण का वर्णन जिसमें कृष्ण कर्णामृत, कृष्ण कर्णामृत में कृष्ण को आराध्य मान करके उनको सुंदर नर्मे वाले पद्यों से उनकी स्तुति की है। और इधर बोधानंद सरस्वती जी ने राधिका की दासी बन करके राधिका जी की कृपा के लिए, ये राधिका पक्षी है इसलिए ये कहते हैं जस्या सदा की बचना चल खेलो न। और भी एक बात कहूँ, बरसाना बहुत श्रेष्ठ नगरी है, राधा जी का जन्म स्थान है, और वहाँ से कृष्ण से मिलने के लिए नंदगांव या साकेत में आदि की बात होती है, किंतु फिर भी वहाँ से भी परम श्रेष्ठ राधा कुंड है। साधारण से दिल्ली के और आसपास के लोग सभी बरसाने जय जय बरसाने वाली की जय हो, जय हो बरसाने वाली, राधा कुंड वाली को जानते नहीं क्योंकि बहुत उच्च राधा कुंड में, राधा कुंड के तट पर जो कृष्ण और राधा जी की लीलाएं होती हैं प्रत्यक्ष दोपहर वाली, वो कहीं भी नहीं। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर राधा रानी की स्वपक्षा ललिता विशाखा इत्यादि यही केवल आ सकती है, चंद्रावली तक नहीं आ सकती, और लोगों की तो बात क्या है। वहाँ पर और भी जो साधक था है उनका भी बड़ा मुश्किल थे, यदि राधा जी का अनुगत हो गया तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ जस्या कदापि वसनानि च रक्षेयो न। इसी समय राधिका जी ने मान कर लिया और कृष्ण से मुख मोड़ कर राधा कुंड के दूसरे तट पर चली गई, इधर में कृष्ण नहीं थे, कृष्ण इधर में और राधा जी उधर। उस समय वसनानि च रक्षेयो न, उस समय में हवा चल रही थी, शीतल मस्त सुगंध राधा कुंड और श्याम कुंड के
वायु कोजी कदम्बरों कदम्ब पूरी त्यागी का सुगंधित लेकर के और वो राधा जी के अंचल से स्पर्श किया और वो कृष्ण के पास जब गई उसका सुगंध पाया कृष्ण तो क्या हुआ कृष्ण कहते आज मेरा जीवन भी सार्थक हो गया दादा जी से नहीं मिले उनकी वायु से केवल मिल गए क्योंकि अपने जन्म को कृतार्थ माना कृष्ण ने ऐसे राधिका जी के चरणों की यदि हम दासी हो सकेंगे तब तो आपका जीवन सफल चर्चा कदाच बसना चल खेल धन्यादि धन्य पौने कृतार्थ मानी योगेन्द्र बतिर मन सुनो की तस्या नमस्त उस राधिका जी को प्रणाम करना मेरे लिए कठिन है जिसमें वो इधर में है उस दिशा को मैं प्रणाम करता राधा जी दुर्लभ है इत्यादि के लिए भी दुर्लभ गति है और श्याम सुंदर वो श्याम सुंदर भी बस इनका नाम इत्यादि करने से वशीभूत हो जाते हैं तब खाना इसलिए राधिका जी की चरण की धूलि को मैं आई एम प्रेइंग एट द डस्ट ऑफ द लोटस बंसी करत रेणु करांति पतिता रेणु करांति पतिता राधा जी को देखा कृष्ण सौ राधिका जी और देखते ही उनके बेड़ू कैसे देखा राधा जी का कटाक्ष और उसे तो देख करके ही कृष्ण के हाथों से बंसी गिर गई भाव में ऐसे विपोष हो गए बंसी बेड़ू कड़ान की पति तक अलकन शिखंड मोर मुकुट उनका गिर और containing the book of feather also fell down. And the first one said, unka pitambar bhi sharir se pitambar also fell down. Bhav bhi gaur ho jinke katakshi se by the side long glance to wo Krishna jaise hai Radha ji aisi hai aise Radha ji ki kam main ras purvak seva karungi रसपूर्वक मैंने रूपमंजरी इत्यादि की और चतुर करीब बहुतम फलुकात मानु विषम परस्य पुत्र कर्ण बोले यस्या कदा रसदि ने विषमान जाया तत्के कुल जीवन मानु बनवार कृष्ण राधा जी से मिलने के लिए आया है राधा जी ने तो मान कर लिया सर्वेश्वर सब कुछ करने वाले हैं ये और उनकी ये दशा है उन दासियों के यहाँ राधिका जी की पुण्य को बहाने के लिए झाड़ू देने के लिए उसकी एक झाड़ू की सीख भी बन जाऊं हमारा राधिका जी की अनंत महिमा है कृष्ण भी नहीं वर्णन कर सकते तो हम लोग इसलिए अभी हम लोग अभिषेक कर रहे हैं और हम लोग कीर्तन कर रहे हैं अच्छा हाँ अभी हम लोग चार लाएंगे आएंगे राधा जी के लिए तो कौन कहाँ जाएगा ये बता रहे हरे कृष्ण कैलाश नगर श्याम बिहारी ब्रह्मचारी मधुकर फ्रॉम अमेरिका उत्तम कृष्ण ब्रह्मचारी
गौतम ब्रह्मचारी कृष्णदास दिल्ली से कृष्णदास मधुकंठ दिल्ली से बोलराम दिल्ली मठ हरिकांत वृंदावन योर नेम इज निमाय नित्राय ये लोग आए थे कैलाश नगर फिर दोबारा नाम बता रहा हूँ श्याम बिहारी ब्रह्मचारी उत्तम कृष्ण ब्रह्मचारी मधुकर ब्रह्मचारी फ्रॉम अमेरिका गौरांग ब्रह्मचारी फ्रॉम मथुरा मठ कृष्णदास मधुकंठ फ्रॉम दिल्ली बोलराम ब्रह्मचारी फ्रॉम दिल्ली मठ हरिकांत फ्रॉम वृंदावन एंड दैट बॉय और पहला वाली गोली जाएंगे ब्रजमोहन ब्रह्मचारी रामकृष्ण ब्रह्मचारी फ्रॉम साउथ अमेरिका अच्युतानंद ब्रह्मचारी फ्रॉम अमेरिका इंडिया परमानंद ब्रह्मचारी फ्रॉम वृंदावन शुभ कृष्ण ब्रह्मचारी सॉरी शुभ कृष्ण दास फ्रॉम दिल्ली आप लोग जाएंगे पहला वाली गोली अंबाघाट में जाएंगे तमान कृष्ण ब्रह्मचारी गौरराज ब्रह्मचारी दयानिधि ब्रह्मचारी पलवल से आए हुए सैम और दिल्ली के सुधीर फिर बता रहा हूँ अंबाघाट में जाएंगे तमान कृष्ण ब्रह्मचारी गौरराज ब्रह्मचारी दयानिधि ब्रह्मचारी वृंदावन से सैम ब्रह्मचारी वृंदावन से पलवल वाले और सुधीर दिल्ली वाले और इधर जाएंगे सुभाष नगर कुंज बिहारी ब्रह्मचारी सुबल ब्रह्मचारी दामोदर ब्रह्मचारी नित्यानंद प्रभु गोवर्धन से और सचिन मथुरा के और जिसके जिसे जाना है अब लोग चले जाएंगे अभी इसके लिए कैलाश नगर अभी रवाना होना है वो लोग आके खड़े हैं हरे कृष्ण जितने दिल्ली से महिलाएं आई हैं वो कोला गली में चली जाएंगी और वहां से झुंड के करती हुई यहाँ पर आएंगे और इसमें से कुछ लोग चले जाएंगे
कृपा मन पार कर दें। अभी चाव लाएंगे बहुत असुविधा होगी, जो भी गाड़ी से आए हैं कृपया विकास मार्केट फ्री पार्किंग में पार कर दीजिए। मठ के सामने एक भी गाड़ी नहीं रहेगी। आप लोगों से सनीपन अनुरोध है, जो भी गाड़ी करके आए हैं कृपया अपना गाड़ी विकास मार्केट के फ्री पार्किंग में पार कर दें। वी विल कम फ्रॉम वृंदावन विद व्हीकल, प्लीज पार्क योर कार ओवर देयर विकास मार्केट, बिकॉज चाव एंड खाना विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन। हरे कृष्ण।